नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएसआर ट्यूब। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस तरह का जब देखिएगा तो पूरा शहर गंगा की गोद में समा गई है और पटना, पूरा पटना और या हो या फिर पूरा पटना सिटी हो, गंगा किनारे में जो बसे हुए हैं वो चाहे वो लिंक पथवे है, सड़क जो है गंगा और सड़क के सेम टू सेम हो गया है। इसी क्रम में जब देखिएगा तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष श्री नंद किशोर यादव जी ने साथ में और तमाम उच्च अधिकारियों के साथ में मेरीन ड्राइव के रास्ते कंगन घाट स्थित आए और विभिन्न घाटों का मुआयना किए हैं। सीधी तस्वीर हम आपको फोटो दिखला रहे हैं किस तरह नंद किशोर यादव जी और नीतीश कुमार गंगा के जो धार में जो शहर जो लिंक पथवे जो है वो समाता हुआ नजर आया है। और इस पूरे कार्यक्रम में, पूरे मौके पर जब देखिएगा तो बीच बीच में नंद किशोर यादव हो या फिर नीतीश कुमार, अपने उच्च अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि राहत कार्य शुरू करने के लिए प्रयास किया जा रहा है और लगातार विभिन्न घाटों का, मेरिन ड्राइव के रास्ते जब देखिएगा तो विभिन्न घाटों का दौरा खुद कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव और साथ में जितने अधिकारी हैं दलबल के साथ में कुछ समय के लिए मेरिन ड्राइव के रास्ते कंगन घाट पर आते हैं और विभिन्न घाटों का वहाँ से मुआयना कर उच्च अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर पुनः वापस चले जाते हैं। तो कहने के रूप से जब देखा जाता है तो इस वक्त जब है पूरा पटना सिटी गंगामय हो गया है। आप कह सकते हैं कि गंगा की जो जो शहरी इलाके जहाँ जहाँ गंगा किनारे जो घर बना हुआ है, पक्के मकान हो या फिर मिट्टी का घर हो, वो से घरों में भी गंगा का पानी प्रवेश किया है। ऐसे स्थिति में लिंक पथ जो है वो पीरदमड़िया से लेकर आप गायघाट के रास्ते पूर्णतः बंद है, मानो सड़क और गंगा एक साथ। सर, गंगा की जो तेज लहर है और विकराल रूप धारण कर ली है सर, आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संग आप विभिन्न घाटों का दौरा क्या लग रहा है? देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो गंगा का पानी बढ़ा है दोनों तरफ, इधर पटना शहर की तरफ भी और वैशाली ज़िले में भी, उन सब स्थानों का माननीय मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया है। मुझे भी साथ रहने का अवसर मिला है और उन्होंने कंगन घाट में रुक करके बाकी और स्थानों पर रुक करके पानी की भयावहता का देखा भी है और संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया है कि अविलंब आवश्यक कार्रवाई की जाए। और साथ साथ क्योंकि नीचे वाली सड़क भी पानी में डूब गई है, कंगन घाट से आदमी शहर की ओर नहीं जा सकता है, उसको भी ऊँचा करने का निर्देश उन्होंने दिया है।